हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर के, सीएचओ की, राजस्थान से जो जो वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है, जो रिजल्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्या है वेटिंग लिस्ट के बारे में, उस बारे में बात करेंगे। और एक लिस्ट जो है जो फॉरवर्ड की जा रही है जिसमें कि 800 के आसपास पद खाली बताए जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि वो सही है या गलत है। दोस्तों, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। तो हम आप इस वीडियो में आपको जो है वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी देंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर के मैं आपके लिए आता रहता हूँ, तो आप ज़रूर हमसे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो फॉरवर्ड की जा रही है कि कितने लोग जो है प्रेजेंट थे, कितने एबसेंट थे। तो यहाँ पे अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर में 651 और नॉन टीएसपी एरिया है 550, 101 एबसेंट, भरतपुर 383, 280, 103 एबसेंट, इधर 755 में से 550 आए 205 एबसेंट, 2400 में से 2200 आए 211 एबसेंट, 1600 में से 1400 आए 154 एबसेंट, और 571 में से 480 आए 91 एबसेंट। तो यहाँ पर और उदयपुर के अंदर यहाँ पे ड्यू लिख दिया, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है दोस्तों, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, ठीक है, ये सभी संभाग की जो है लिस्ट किसी ने ऐसे ही डाल दिया दोस्तों। इसका ऑफिशियल आंकड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये किसी के द्वारा ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। तो हम जो है इस लिस्ट को दोस्तों फेक मान करके चलते हैं, और ये लिस्ट जो है गलत है, ठीक है। अब इसको माने ये गलत है, इससे ज़्यादा ही सीटें जो है इससे ज़्यादा सीटों पर ही वेटिंग आएगी। ये तो 800 ही सीटें हैं, सिर्फ 800 से ज़्यादा ही वेटिंग आएगी, और वो जो है सार्वजनिक उसको अभी तक तो नहीं किया गया है दोस्तों। जल्द ही जो है हम आशा करते हैं कि 1 वीक के अंदर जो है, 1 सप्ताह के अंदर जो है आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में जो है कुछ ना कुछ सुनने देखने को मिलेगा दोस्तों। क्योंकि जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है उनकी लिस्ट जो है वो आगे भिजवा दी जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि वहाँ से जो है वापस से जो पेंडिंग में लोग होंगे उनकी जो है उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और बाकी जो है बाकी सीटें जो है वो भी फुल कर दी जाएगी, ठीक है। 7,000 जो 300 सीटें हैं वो पूरी इनको भरनी है यहाँ पर, और अभी जो है लगभग 1,000 से 1,500 के आसपास जो है आ सकती है, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। और देखते हैं दोस्तों, ऑफिशियल जब आएगी तब पता चलेगा कितनी आ रही है। अब बात सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है इसके बारे में दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 10 तारीख का, और इसमें जो है सीधा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में जो है 7,800 के लिए 7,300 जारी की गई है उस तरह से। और जो लास्ट थर्ड पॉइंट है उसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं, चयनित अभ्यर्थी इस आदेश के जारी होने के 3 दिवस में संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग संभाग के संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय में उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। और जो नहीं करेंगे, जो निर्धारित अवधि में, यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सी वो मैंने वो कर रखी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो निर्धारित अवधि में ज्वाइनिंग नहीं करेगा वो संभाग के संयुक्त निदेशक में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थी की सूचना तुरंत एनएचएम मुख्यालय में प्रेषित करेंगे, ठीक है। 3 दिन के अंदर जो लोग नहीं आए हैं, जो लिस्ट है दोस्तों अभी तक तो आगे चली गई होंगी, और अनुपस्थित अभ्यर्थियों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बकायदा लिखा हुआ है कि प्रतीक्षा सूची से नहीं, वेटिंग लिस्ट जो है वो आएगी जो लोग 3 दिन के अंदर कार्यग्रहण नहीं करेंगे ऐसे लोग, ठीक है। फिर यहाँ पर ओरिएंटेशन के बारे में लिखा हुआ है, 1 दिन का ओरिएंटेशन होगा, उसके बाद जो है CMHO में जा करके वो पदभार जो है अपना ग्रहण करेंगे। और इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिसने ऑलरेडी ब्रिज कोर्स का प्रोग्राम वो कर रखा है, CCH का कोर्स, वो जो है ऑलरेडी जाके डायरेक्टली जाके ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो ये थी बहुत दोस्तों आपकी डिटेल्स वेटिंग लिस्ट को लेकर के, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।